आज ऑन रिकॉर्ड आकर कहता हूं कि हर कोई कहता था कि सेक्रेटेरिएट की मस्जिदें नहीं बनेगी, लेकिन मजलिस को मेरे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को और मुझे यकीन था कि मस्जिदें बनेंगी और हमारा चीफ मिनिस्टर बनाएगा उस मस्जिदों को। हम जाकर मिले और मैं ये कहूंगा कि उन्होंने एक मिनट नहीं लिया, कहा कि नहीं जो भी हुआ गलत हुआ, मुझे अफसोस है इस बात का, मुझे अफसोस है और मुझे खराब दिखा, पूरे हालात बताए और बोले कि आप लोग कहां बनाना चाहते बन बोलिए। हमने कहा साहब हम जहां था वहीं बनाना चाहते हैं, तो चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा बिल्कुल बना लीजिए, जहां था वहीं बना लीजिए, जहां था वहीं बना लीजिए, गलती हुई मुझे अफसोस है, बयान दिया कहा बना लीजिए। फिर उसके बाद सीएम साहब ने कहा कि अकबर भाई देखिए एक मस्जिद इधर थी एक मस्जिद इधर थी, इसके बीच में जगह है, बीच में कुछ आना नहीं चाहिए, पूरी जमीन ले लीजिए। तो हम जानते हैं कि किसी को यकीन हो या ना हो, हमको यकीन है कि आप बराबर मुसलमानों के साथ इंसाफ करेंगे, हमारी आवाज पर आप सुनेंगे और जो सही है उसको कबूल करते हुए उसका अमल करेंगे। मैं समझता हूं कि आप आज अगर अपने रिकॉर्ड में आकर बोले कि हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं, नहीं मैं हुकूमत पर तनकीद नहीं कर रहा था, इस वास्ते कि यह हुकूमत मेरी है, मैं आपके साथ हूं, आप पर तनकीद नहीं। हुकूमत की नाकामियों को और कामयाबियों को बताने में नाकाम जो हुए उसको उजागर कर रहा था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप चीफ मिनिस्टर साहब मेरे उठाए गए मसाइल पर जरूर तवज्जो देंगे और उम्मीद करता हूं कि आप जो आरोग्य श्री और बीपीएल फैमिलीज के बारे में, टैक्सी ड्राइवर्स के बारे में, म्यूनिसिपल के रेंट के बारे में जो उठाया हूं मैं, उस पर आप हमदर्दाना गौर करेंगे। शुक्रिया साहब। जहां मस्जिदें थे दोनों मस्जिद फिर वही बराबर बनेंगे, ये मैं आश्वासन देता हूं। वही नहीं, कुछ ज्यादा जमीन भी दे रहे हैं, दोनों मस्जिद के बीच में जो खाली जगह है वो भी वहां के इमाम साहब के लिए अलॉट करता हूं मैं और उसको वक्फ बोर्ड के हैंड ओवर कर देता हूं और जल्द से जल्द वो मस्जिद फिर बनेंगे, इंशाल्लाह से फर्स्ट क्लास बनेंगे, बाज़ाब्ता मैं आपको दे देता हूं। और मंदिर भी बनेंगे। इस बीच में हमारे क्रिश्चियन भाई भी आए, सेक्रेटरीट है तो हमारे को बना के दो, हमारे लोग भी है, हम भी इबादत करते। मैंने कहा बिल्कुल भाई, क्रिश्चियन भाइयों के लिए एक चर्च बनेगा, एक मंदिर बनेगा और मस्जिद जो दो थे हमारे, दो के दो बनेंगे बिना किसी शक के, इसमें कोई किसी को शक रखने की जरूरत नहीं।